नमस्ते, ये मेरे साथ कल्पेश देशमुख है। बहुत सालों से सोरायसिस की तकलीफ थी और 2 साल पहले आनंदपुर में आए थे। क्या एक्सपीरियंस रहा? नमस्कार, नाम कल्पेश देशमुख। मुझे पिछले 7-8 साल से स्किन डिसीज था, स्किन का इश्यू था। बाद में पता चला कि ये सोराइसिस है। बहुत इलाज किए मैंने, एलोपैथी के कुछ आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट किया, बट ये जा नहीं रहा था। तो मुझे आनंदपुर के बारे में पता चला। मैं डॉक्टर नितिन पाटिल को संपर्क करके मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने 10 दिन यहाँ पे बिताए। मैंने तो 7 दिन का मेरा उपवास था, शिवांगू ट्रीटमेंट था, सब ऑल ट्रीटमेंट से आप थे, जैसे सूर्य स्नान ऐसे कभी उपवास किए थे? अच्छा, था। ऐसे कभी उपवास नहीं किए थे। तो 7 दिन का मैंने उपवास किया। जब आया तो मैं ज़्यादा फैटी था, अराउंड मेरा 78 to 80 kg मेरा वेट था। हाँ, तो वो अभी मेरा कितना वेट, है? अभी मेरा वेट है 66 to 67, 1 kg ऊपर नीचे रहता है वो। सो मैं रेगुलरली अभी क्या कर रहा हूँ कि रेगुलरली मैं एवरी मॉर्निंग शिवांगू प्राशन करता हूँ। हर 15 दिन में फोर्टनाइटली मैं एक एक दिन का उपवास भी रखता हूँ। बट मेरा परिणाम ये हुआ कि मेरा सोराइसिस ऑलमोस्ट गया। हाथ के ऊपर पैर के ऊपर हाथ था। हाथ और पैर के ऊपर था, हाथ से मेरे खून भी आता था, तो वो अच्छा, भी इतना मतलब कट्स थे इतना भी कट्स आपके थे, यस मैं खा नहीं पाता था। तो मेरा ओके पूरा गया। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होती है, जो योगाभ्यास होता है, प्राणायाम मेडिटेशन होता है, उस वजह से मुझे ये पता चला कि ये जो भी व्याधि हो रही है, जो डिसीज हो रहे हैं, ये मन के अंदर से आ रहे हैं। तो हमें ये मन से जड़ से मिटाना पड़ेगा, खाली ऊपर से शरीर के ऊपर नहीं मिटाना चाहिए। तो ये यहाँ पे आके पता चला। सो थैंक यू टू आनंद कुछ, थैंक यू टू और अभी जब आए हैं तो अब पिताजी के साथ आए यस हैं, तो पिताजी को क्या क्या तकलीफ थी और उनके अंदर क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? मैं पिताजी को लेके आया था। 5 महीने पहले उनको हार्ट अटैक आया था, मेजर हार्ट अटैक आया था। हाई शुगर भी थी। जब हार्ट अटैक आया तो एडमिट किया हमने। डॉक्टर ने एज यूजल डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। मुझे आनंद कुन का एक्सपीरियंस था, तो मैंने नितिन सर जब यहाँ को, आए थे तो उनकी दम लगना वगैरह कितना था? दम ज्यादा लगता था, 1 किलोमीटर भी चल नहीं पाते थे, तो ज्यादा दम लगता था बिकॉज ड्यू टू ब्लॉकेज ओनली। तो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो उपवास किया, 6-7 दिन का उपवास किया। उपवास करने के बाद मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैं इनके साथ रहा था, तो वो आराम से 3-4 किलोमीटर अभी चल के वापस आ रहे हैं। कोई धाप नहीं लग रही उनको, दम भी नहीं लग रहा है, और उनका मैं उत्साह देख रहा हूँ। पहले मैं देख रहा था, अभी मैं सोच रहा था कि मेरे पिताजी अभी बूढ़े हो गए, अभी 80 ईयर्स होंगे, बट अभी मैं उनको देख रहा हूँ कि ये मुझे और थोड़ा यंग लग रहे हैं। से मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैं खुद को फील, यहाँ पे आने के बाद लोगों ने मुझे क्या बोला कि तुम एक्चुअली मेरा एज 38 है, बट लोग नहीं बोल रहे कि तुम 38 के हो, 28 30 का मैं लग रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि ऊपर से लग रहा हूँ, मुझे अंदर से मेरे ऑर्गन्स भी मुझे यही फील करवा यही रहे फील हैं। करवा रहे। सो थैंक यू टू आनंद कुछ, थैंक यू नितिन सर, नमस्ते। थैंक यू।